अब सभी लोग चैट सेक्शन में लिख के बताओ मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है या नहीं। मेरी आवाज आप लोग तो सुन पा रहे हो? हम लोग 5:35 से अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, आप लोगों की ये सेकंड या थर्ड क्लास होगी या फोर्थ क्लास है ना? आप सभी की आज ये फोर्थ क्लास है। तो मैंने लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क दिया था, वो आप लोगों ने बनाया या नहीं बनाया? सभी लोग चैट सेक्शन में लिखेंगे, कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके नहीं बोलेगा। रामकरण यादव के नाम से जो बच्चा है उसने अभी हैंड रेस किया है। आपका कोई डाउट है तो आप लोग क्या करो, चैट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो। और मुझे होमवर्क के बारे में बताओ। सबसे पहले तो ये बताओ पिछले क्लास में मैंने होमवर्क क्या दिया था आप लोग? ठीक है, जिनकी आज फर्स्ट क्लास है कोई दिक्कत नहीं है, जिनकी फर्स्ट क्लास है उनसे नहीं बोल रहा हूँ, जिनकी आज सेकंड क्लास है बाकी लोग बताएंगे। आपकी ये फर्स्ट क्लास है, ठीक है। 6.1 एंड 6.2, तो 6.1 की बताओ सबसे पहले कि 6.1 में कोई डाउट है क्या आपको? 6.1 आपसे सारी बन गई या उसमें कोई डाउट रह गया, या आपने बनाई या नहीं बनाई? एक्सरसाइज 6.1 में कोई भी डाउट है तो आप मुझे मुझसे पूछ लो। सबसे पहले हम लोग क्लास कंटिन्यू करने के पहले होमवर्क डिस्कस कर लें, फिर क्या करेंगे आगे की चीज पढ़ेंगे। सिक्स पॉइंट टू में डाउट है, ठीक है। 6.2 में क्वेश्चन नंबर बता दूंगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन नंबर में डाउट है? सिक्स पॉइंट टू में क्वेश्चन नंबर थ्री, ठीक है। कुछ और बच्चे आ जाए फिर हम लोग होमवर्क को डिस्कस कर लेंगे। और जिनकी आज फर्स्ट क्लास है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ गंगा नेगी के नाम से कोई बच्चा है, तो उनकी आज फर्स्ट क्लास है, तो उनको मैं ये बता दूँ कि करना क्या है आप लोग को। पूरे क्लास के दौरान म्यूट रखना है, माइक के नीचे, माइक के पास जो ऑप्शन बना हुआ है माइक का निशान, उस पर आपको क्लिक नहीं करना है। आपको देखना है कि माइक पे कट का निशान बना हुआ है, इसका मतलब आप म्यूट रहोगे तभी मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पाएगी। जिनके भी आज फर्स्ट क्लास है तो अपने आप को म्यूट रखिएगा पूरे क्लास के दौरान।
जिनकी आज फर्स्ट क्लास है वो मुझे ये बताएंगे आपको पोल के बारे में पता है या नहीं पता। जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा कई बार पढ़ाते हुए क्या होगा, मैं काफी सारे क्वेश्चन पूछता हूँ तो वो क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पोल सेक्शन में जाकर देना होता है। तो आप बताएं आपको पोल सेक्शन के बारे में पता है या नहीं पता, जिनकी आज फर्स्ट क्लास है वही बताएंगे। ओके वेरी गुड, आपको पता है तो फिर अच्छी बात है। जिनकी आज सेकंड थर्ड या फोर्थ क्लास होगी उनको तो ये चीज पता ही होगी। ओके और आपके क्लासेस वीक में 3 दिन लगेगी, सप्ताह में 3 दिन, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे 5:30 बजे से 6:30 बजे तक। तो ये सारी चीजें मैं उन लोगों के लिए बता देता हूँ जिनकी आज फर्स्ट क्लास है। कुछ देर रुकेंगे, 5 मिनट, 5:35 से हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, है ना। तब तक और भी बच्चे आ जाएंगे फिर अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा, सभी बच्चे अपने आप को म्यूट रखेंगे। अब बताएं आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही है। सभी लोग चैट सेक्शन में लिखेंगे, कोई भी कमेंट सेक्शन, कोई भी बोलकर नहीं बताएगा, सभी लोग चैट सेक्शन में लिखें। मेरी स्क्रीन दिख रही है नहीं, होमवर्क वाली पेज दिख रही होगी आप सभी को। तो आप सभी लोग ये बताएं आप लोगों ने होमवर्क अगर किया है तो एक्सरसाइज 6.1, सबसे पहले मैं 6.1 की पूछ रहा हूँ, 6.1 में कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ लें। दीपा सिंह, आपकी मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या आपको? आप अपने आप को पहले म्यूट कर लें, दीपा सिंह के नाम से जो भी बच्चा है अपने आप को म्यूट कर लें, ठीक है। बाकी बच्चे बताएंगे, मेरी आवाज तो आ रही है आप सभी को? ठीक है, मेरी आवाज सभी तक पहुंच पा रही है। नो चलिए, तो सर, सबसे आप नहीं आ रहे मेरी आवाज नहीं आ रही है, नेहा सर, रॉय स्लो के आ नाम रही से। एक मिनट आप पूछो, मैं देख। है। सबसे पहले अपने आप को म्यूट कर ले, जो भी बच्चे अपने आप को अनम्यूट कर रखे हैं अपने आप को म्यूट कर ले। नेहा रॉय के नाम से जो भी बच्चा है अपने आप को म्यूट रखे। अगर आप अपने आप को म्यूट रखिएगा तभी मेरी आवाज सभी तक पहुंच पाएगी। तो अब हम लोग अपना होमवर्क डिस्कस करते हैं। लास्ट क्लास में जो भी हमारी होमवर्क थी, पहले देखो एक्सरसाइज 6.1 में आपको अगर कोई भी डाउट है 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में तो मुझसे पूछ लो चैट सेक्शन में लिखकर। अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो फिर हम लोग अपना एक्सरसाइज 6.2 देखेंगे कि उसमें कोई डाउट है या नहीं।
तो चलिए 6.1 आप सभी के सब बन गई सर, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज नहीं आ रही है, बाकी सब बच्चों को तो जा रही है मेरी आवाज, बाकी सब बच्चों को तो मेरी आवाज जा रही है। ठीक है, तो एक बार क्या कर सकते हो, मेरी आवाज नहीं जा रही, एक मिनट। चलो सभी लोग लिखेंगे, अब सभी लोग लिखेंगे मेरी आवाज जा रही है या नहीं है, जितने भी बच्चे अभी यहाँ पर है सभी लोग लिखेंगे मेरी आवाज जा रही है या नहीं जा रही है, इससे मुझे पता चलेगा कितने लोगों को आपको आवाज जा रही है और कितने लोग ऐसे हैं जिनको मेरी आवाज नहीं जा रही है। सभी लोग लिखेंगे, चैट सेक्शन में जाए और लिखे मेरी आवाज जा रही है या नहीं जा रही है। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं सभी को आवाज आ रही है। अब देखो, अगर मेरी आवाज नहीं जा रही है तो आप लोग को यही करना है, आप में से कोई भी एक बच्चा अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप में से एक भी बच्चा अपने आप को अनम्यूट कर लेता है तो फिर क्या होता है, मेरी आवाज किसी को नहीं सुनाई देगी, है ना। एक भी बच्चा अगर अनम्यूट करेगा तो मेरी आवाज किसी को नहीं सुनाई देगी। तो अब क्या करना है, सभी को म्यूट रखना है, और अगर कोई भी दिक्कत हो मेरी आवाज से या मेरी स्क्रीन नहीं दिखे तो आप सभी को चैट सेक्शन में लिखना है। अब चैट सेक्शन में लिख दोगे, मुझे ये पता चल जाएगा मेरी आवाज स्लो जा रही है या नहीं जा रही है। ठीक है, तो अब होमवर्क भी डिस्कस करते हैं कि इस क्वेश्चन में 6.1 में आप सभी को कोई भी डाउट नहीं है, आपने कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो 6.1 का 3, तो क्वेश्चन नंबर 6.1 का एक्सरसाइज 6.1 का 3 देखते हैं कि एक्सरसाइज इस क्वेश्चन में क्या है। देखो, ये वाली जो क्वेश्चन है इसमें बोल रखा है कि कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान कीजिए, तो इसमें एक आकृति दी है और यहाँ पर आपको देखना है कि इससे एस्टिमेटमेंट कौन सा मिलेगा। तो अगर पहली बात इसकी देखो तो ये आपको दिख रहा है क्या, तो इसमें आपको दिख रहा है कि दो रेखा है जो एक दूसरे को काट रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, एल और एन एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये वाली की स्टेटमेंट इससे मिलेगी। यहाँ पर आप लिखोगे एक नंबर, अगर इसको देखोगे तो एल और एम में यहाँ पर एक निशान इस तरीके से बना रखा है, तो आप इससे क्या समझोगे, यहाँ पर पता चल रहा है कि एल और एम क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है यानी लंब है, तो इसकी स्टेटमेंट कहाँ पर सही होगी, तो ये वाली है, इससे मिल जाएगी। और अगर ये तीसरी को देखो तो एल और एम कैसे दिख रही है, दोनों समांतर है, तो हमें यहाँ ये दिखेगा कि ये दोनों 3 नंबर इसके लिए मिलेगी। तो यहाँ से इस तरीके से आप मिला सकते हो कि ये प्रतिच्छेदी है, ये लंबवत है, ये समांतर है। और एक्सरसाइज 6.1 में कोई डाउट है तो पूछो, उसके बाद एक्सरसाइज 6.2 से मैं करूंगा। लोग एक्सरसाइज 6.2 पे आते हैं, एक्सरसाइज 6.2 में बोलो इसमें कोई डाउट है कि आपको इसमें कितने क्वेश्चन है, तो इसमें एक ही क्वेश्चन है और इसमें क्या है, कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान करना है। तो इन सभी को अगर आप देखो, एक बार मैं थोड़ा सा इसे छोटा कर दूंगा ताकि आपको सभी को पूरी स्क्रीन एक बार में दिख जाए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक कॉलम में 5 स्टेटमेंट है, 1 2 3 4 5, और इधर भी कुछ कुछ इमेज बना रखी है, तो आपको मिलान करना है, कॉलम मिलाना है। तो पहला स्टेटमेंट को अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ए बी और बी सी लंब है, तो आपको क्या देखना है कि इस चारों इमेज में कहाँ पर ए बी बी सी के लंब है। तो आप देखो सबसे पहली इमेज यहाँ पर ए बी ऐसे है, ये वाली ए बी है और बी सी कुछ यहाँ पर है, जो कहीं पर से भी आपको लंब नहीं दिखेगा। तो आपको क्या करना है, चारों इमेज में खोजना है कि ए बी कहाँ पर है और बी सी कहाँ पर है, देखना है कि ए बी और बी सी के बीच लंब का साइन कहाँ पर बना हुआ है। तो पहले वाले का आपको साफ दिखेगा 1 का बी से मिल रहा है, यहाँ पर बी सी रेखा कुछ ऐसे है और ए बी रेखा ऐसे है, और इन दोनों के बीच ये लंब की साइन यानी चिन्ह भी बना रखी है, तो इसका मतलब 1 किससे मिलेगा, पी वाले से मिलेगा। अब दूसरे वाले को अगर देखो, एफ जी ओ पी के परपेंडिकुलर है,
तो एफ जी और ओपी को अगर खोजोगे तो आप देखो इस चारों आकृति में कहां पर एफ जी जो ओपी से परपेंडिकुलर है, तो आपको दिख रही होगी यहां पर ये सी वाली इमेज को देखो इससे, तो यहां पर आपको दिखेगी एफ जी और ये वाली दिखेगी ओपी। तो यहां पर हम कह सकते हैं एफ जी ओपी के परपेंडिकुलर है यानी लंब है। तो बी दूसरे नंबर की सही किससे मिल जाएगी, इस वाले से मिल जाएगी। इसी तरीके से आपको सभी को देखना है और इससे मिलाना है कि इसका सही स्टेटमेंट किस आकृति से मिल रही है। अब आप ये सब बताओ, 1 2 3 4 5 में इन पांचों स्टेटमेंट में कोई एक स्टेटमेंट ऐसा है जो आपको खोजने में परेशानी हुई, वो स्टेटमेंट बताओ, मैं उस पर डिस्कस कर लूंगा। अमित कुमार आपने लिखा है सर ये 9th मैथ की बुक में नहीं है, तो हाँ हो सकती है कि ये जो चीजें हम लोग पढ़ा रहे हैं ये डायरेक्ट आपको क्लास 9th का बुक में नहीं मिलेगी। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, हो सकता है कि ये सारी चीजें आपको क्लास 9th के बुक में नहीं मिलेंगी, लेकिन ये सारे कंसेप्ट आपको बनाने में यूज आते हैं। वो सारे कंसेप्ट हम लोग कर रहे हैं जो क्लास 9th के सिलेबस को करने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आपको जल्दी से आप लोग बताओगे इसमें से कोई भी डाउट है क्या, सेकेंड थर्ड फोर्थ या फाइव फिफ्थ वाले स्टेटमेंट को मिलान करने में, फिर हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू कर लेंगे। है डाउट? ठीक है, तो हम लोग अपना कंटिन्यू करते हैं, और डाउट है तो फिर आप लोग चैट सेक्शन में लिख सकते हो। चलिए, अब आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, ये हमारी टाइम टेबल है, जिनकी भी आज फर्स्ट क्लास है वो देख सकते हैं। हमारी क्लास जो है सप्ताह में 3 दिन 5:30 से 6:30 चलती है, सोमवार बुधवार और शुक्रवार को। अब आप सभी को याद होगा कि पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, प्रतिच्छेदी रेखा, लंबवत रेखा और समांतर रेखा, यानी रेखाओं के प्रकार के बारे में पढ़े थे कि तीन तरह की रेखा होती है, प्रतिच्छेदी रेखा, लंबवत रेखा और समांतर रेखा। इन तीनों के बारे में मैंने आप सभी को बता दिया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप सभी को दे दिया था। अब क्या करना है, उन सभी चीजों को याद करने के लिए, रिवाइज करने के लिए अभी आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा, और जिन बच्चों की आज फर्स्ट क्लास छोड़ के सेकेंड थर्ड फोर्थ क्लास होगी उन सभी को ये पता है कि आप सभी को आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है, कोई भी चैट सेक्शन में आंसर नहीं देगा और कोई बच्चा अपने आप को अनम्यूट करके नहीं बोलेगा। तो आपको अब अपने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रही है, इनमें से लंबवत रेखा को पहचाननी है, तो आप सभी लोग जाएंगे पोल सेक्शन में और पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। जितने भी बच्चे हैं सभी लोग जाएंगे और सभी लोग आंसर करेंगे। चार ऑप्शन दिख रहा होगा, इनमें से लंबवत रेखा कौन सी है आपको पहचाननी है, ऑप्शन ए बी सी या डी, और काफी आसान क्वेश्चन है इसलिए हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, जल्दी से आप लोग आंसर करें और फिर हम लोग करेंगे इसको डिस्कस कि इसका सही उत्तर क्या है, और जितने भी बच्चे हैं सभी लोग इसका उत्तर करेंगे। अभी भी काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने उत्तर नहीं दिया है, तो काफी आसान क्वेश्चन है, ज्यादा समय हम लोग नहीं लेंगे, बस कुछ सेकंड और रुकेंगे फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो भी अब तक आंसर नहीं किए हैं जल्दी से जाएं पोल सेक्शन में आंसर करें। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं इसको डिस्कस करते हैं कि हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है। क्वेश्चन दे रखा है इसमें से लंबवत रेखा यानी परपेंडिकुलर लाइंस को पहचाननी है, तो ऑप्शन ए को देखें तो ऑप्शन ए कहीं से भी आपको लंबवत रेखा नहीं दिख रही होगी। लंबवत मतलब मैंने ये बताया था दो रेखा जिसके बीच 90 डिग्री का कोण बने उसे ही हम लोग लंबवत रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो आंसर आए हैं आप सभी के ऑप्शन बी और ऑप्शन डी आए हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं कि ऑप्शन बी सही होगा या डी सही होगा। तो मैंने ये बताया था कि दो लंबवत रेखा को पहचानने के लिए हमेशा इस तरीके से एक चिन्ह बना रहेगा आपके पास, उन दोनों के बीच अगर इस तरीके से एक चिन्ह बना हुआ है तभी आप बोलोगे कि ये दोनों रेखाएं लंबवत है। तो ऑप्शन डी भी हो सकता है कि आपको दिख रहा है कि ये दोनों के बीच 90 डिग्री बन रही होगी, लेकिन एग्जैक्ट कितनी डिग्री की कोण बन रही है
ये आप नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पर ना कुछ दे रखा है ना ही कोई चिन्ह बना रखा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये नहीं कह सकते आप, तो इसे हम नहीं कहेंगे ये लंबवत रेखा है। हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर एक चिन्ह बना रखा है और इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और अगर 90 डिग्री का कोण बन रहा है इसका मतलब ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस है। तो आपको दिख रहा होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अगर ये क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज सभी लोग जाओ चैट सेक्शन में यस लिख दो, फिर मैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। सभी लोग जिसको ये समझ में आ गई आप लोग बस वाई लिख दो, मुझे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फिर से क्या होगा, अभी फिर से आप सभी को एक क्वेश्चन दिखेगी, आप सभी के स्क्रीन पर फिर से एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप सभी को जाना है और पहचानना है कि जो दी गई रेखाएं हैं इसमें से समांतर रेखा कौन सी है, और सभी को पोस्ट सेक्शन में जाकर आंसर करना है, कोई भी चैट में नहीं लिखेगा, कोई भी बोल कर नहीं बताएगा। जो भी बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं उनका अगर कोई डाउट है तो आप चैट सेक्शन में लिख सकते हो। तो यहाँ पर है निम्न में से समांतर रेखा को पहचाने, तो देखो ए बी सी या डी में कौन सी ऐसी आकृति बना रखी है जिसमें समांतर रेखा दी गई है। तो आप सभी लोग जाओ पोल सेक्शन में और जल्दी से आंसर करो, क्योंकि ये सारी क्वेश्चन काफी आसान है, तो हम लोग काफी जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे, और ये सारी चीजें मैंने पिछले क्लास में ही आप सभी को पढ़ा दी थी। तो जो भी बच्चे अब तक आंसर नहीं किए हैं जल्दी से जाएं पोल सेक्शन में और आंसर करें। चलिए कब, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी आसान थी, अब ज्यादा समय नहीं लेंगे, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्या। तो आपको क्या करना था, निम्न में से समांतर रेखा यानी पैरेलल लाइंस को पहचाननी थी। फिर से जितने भी बच्चों का उत्तर आया है मैक्सिमम लोग का आंसर या तो बी आया है या डी आया है। तो ऑप्शन ए की अगर बात करें तो ऑप्शन ए तो आपको दिख रही है कि दो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही है, तो इसे हम कह सकते हैं कि यह एक प्रतिच्छेदी रेखा है। तो यह हमारा सही उत्तर नहीं हुआ, क्योंकि तो हमें पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखा को पहचाननी थी। ऑप्शन सी के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि ये लंबवत रेखा भी है या समांतर, ये तो समांतर नहीं दिख रही है, बट अगर मैं पूछूं कि ये लंबवत भी है या नहीं तो ये भी हम नहीं कह सकते कि ये लंबवत है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई साइन या चिन्ह नहीं बना के दिया है। अब बात करते हैं ऑप्शन बी और ऑप्शन डी की। तो काफी बच्चे आप में से मैक्सिमम बच्चे हैं जो ऑप्शन बी बोले हैं और काफी बच्चे हैं जो ऑप्शन डी बोले, तो ये दोनों ही हमें दिख रही है कि पैरेलल लाइंस है, बट हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। जिन भी बच्चों ने ऑप्शन डी किया था उनका ये सही उत्तर है। अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो ऑप्शन बी है वो गलत क्यों हुआ, क्योंकि काफी बच्चे हैं जो ऑप्शन बी दिए, तो वो सोच रहे होंगे कि हमारा आंसर क्यों गलत हो गया। तो आंसर इसलिए गलत हुआ क्योंकि मैंने ये बताया था कि दो पैरेलल लाइंस यानी दो समांतर रेखा आप का चिन्ह क्या है, इन दोनों ही रेखा पर एक इस तरीके से तीर का निशान बना के दिया रहेगा। अगर इस तरीके से तीर का निशान दो रेखा में बना के दी हुई है तब आप कहोगे ये दोनों रेखाएं समांतर है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में देखो कहीं पर भी कुछ चिन्ह बना के समांतर का दिया हुआ नहीं है, तो हम इसे समांतर रेखा कंसीडर नहीं कर सकते कि ये समांतर रेखा है। ऑप्शन डी में अगर देखो तो इन दोनों ही रेखाओं पर जो ये बीच में तीर बना के दी हुई है इसे देखकर हम कह सकते हैं कि हाँ, जो अगर मैं इसे नाम दे दूं ए बी और पी क्यू, तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी रेखा और पी क्यू रेखा समांतर है, क्योंकि यहाँ बीच में समांतर का चिन्ह बना के रखा हुआ है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन बी बोल रहे थे, चैट सेक्शन में काफी बच्चों ने बोला या पोल सेक्शन में भी काफी बच्चों ने आंसर दिया, वो लोग मुझे बताएंगे कि आपको ये चीज समझ में आ गई या नहीं आई, या मैं फिर से बता दूं। तो आप लोग जाएं चैट सेक्शन में और लिख दें यस या नो, आप लोगों को अगर समझ में आ गई तो आप सभी लोग यस लिखेंगे यानी वाई लिखेंगे, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गए क्या, समांतर रेखा का चिन्ह क्या है, दोनों पे तीर का निशान बना रहेगा। एक चीज और ध्यान देना, अगर मैं बोल रहा हूं इस वाले ऑप्शन डी को देखो
एबी और पीक्यू क्या है, एक दूसरे के समांतर है। ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे, एबी और पीक्यू एक दूसरे के समांतर है, तो इसे लिखने का तरीका क्या होता है, उसे हम इस तरीके से लिखते हैं। ए बी, उसके बाद दो लाइन हम लोग खींचते हैं इस तरीके से, और फिर पी क्यू लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी पी क्यू के समांतर है, यानी ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। तो समांतर को लिखने का तरीका ये है, जैसे मैंने पिछले क्लास में परपेंडिकुलर का बताया था, अगर दो रेखा परपेंडिकुलर है तो हम ऐसे लिखते थे कि ए बी पी क्यू पर लंब है, यानी परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर या लंब का ये वाला चिन्ह होता है, और समांतर यानी पैरेलल का ये वाला चिन्ह होता है। ये भी आप सभी लोग अपने नोटबुक में कॉपी में लिख लेंगे। चलिए, तो अब क्या करते हैं, अब हम अपनी आज की पहली टॉपिक देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। अच्छा, उसके पहले एक और क्वेश्चन है आप सभी के पास, लंबवत रेखाओं के बीच कौन सा कितना कोण बनता है। तो आप सभी को क्या करना है, फिर से पोल सेक्शन में जाना है, इस क्वेश्चन का भी आंसर सभी लोग पोल सेक्शन में देंगे। अब आप सभी लोग देखिएगा, तो आप सभी को पोल सेक्शन में क्वेश्चन दिखेगा, सभी को इसका आंसर करना है। लंबवत रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है, दो लंबवत अगर रेखाएं हैं तो उनके बीच का कोण कितना होता है। सभी बच्चे आंसर देंगे, कोई भी चैट सेक्शन में नहीं लिखेगा। अमित कुमार, आपने जो आंसर लिखा है चैट सेक्शन में लिख दिया है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप पोल सेक्शन में जाए और पोल सेक्शन में आंसर करें। अगर आपको पोल के बारे में नहीं पता है तो भी आप लिखकर बता दो, मैं पोल सेक्शन के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई भी बच्चा चैट सेक्शन में आंसर नहीं लिखेगा। चलिए, ये भी काफी आसान क्वेश्चन थी, और सभी बच्चों के, मैक्सिमम जितने भी बच्चे हैं सभी के उत्तर सही ही आ रहे हैं। तो मैंने ये पूछा, लंबवत रेखा यानी परपेंडिकुलर लाइंस यानी लंबवत रेखा के बीच का कोण कितना होता है। तो मैंने कई बार आपको बताया कि लंबवत रेखा किसे कहेंगे, जब दो रेखा एक दूसरे को 90 डिग्री पर यानी समकोण पर काटे तो उसे ही हम परपेंडिकुलर लाइंस यानी लंबवत रेखा कहते हैं। तो परपेंडिकुलर वर्ड जब भी आप देखो या लंबवत वर्ड आप जब भी देखो तो इसका मतलब ही आप समझ जाओ समकोण, और समकोण जब देखो तो समकोण का मतलब 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 90 डिग्री। तो दो लंबवत रेखाओं के बीच का कोण क्या होता है, 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का कोण बनता है किसी दो रेखाओं, लंबवत रेखाओं के बीच। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या था, ऑप्शन नंबर बी। अब हम क्या करते हैं, आज की पहली टॉपिक यानी देखते हैं साइड्स एंड एंगल, यानी किसी भी आकृति में भुजाएं क्या होती हैं और कोण क्या होती है। सभी लोग अब क्या करेंगे, नोट्स लिखेंगे कि किसी भी आकृति में भुजाएं क्या होती है और कोण क्या होती है। तो जब मैं पहला क्लास ले रहा था ज्यामिति की, तो मैंने आपको खुली आकृति और बंद आकृति के बारे में बताया। मतलब ज्यामिति में हम लोग क्या पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार की आकृतियों और उनके गुणों के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर मैं कहूँ कोई भी आकृति चाहे वो खुली हो या बंद हो, सभी लोग ध्यान से सुने, कोई भी आकृति चाहे वो खुली हो या बंद हो, अगर वो कुछ रेखाखंडों से मिलकर बनी है, और रेखाखंड भी मैंने आप सभी को पिछले क्लासेस में पढ़ा चुका है, तो रेखाखंडों से अगर मिलकर बनी है कोई आकृति तो उन सभी रेखाखंडों को क्या कहते हैं, उस आकृति के भुजा कहते हैं। जैसे अगर आप इस फिगर की बात करो तो ये एक चतुर्भुज है और इसे मैं नाम दे दिया ए बी सी डी। तो ये जो चतुर्भुज है ए बी सी डी, ये किन रेखाखंडों से मिलकर बनी है, तो ए बी बी सी सी डी एंड ए डी या डी ए। तो ये जो चतुर्भुज है ये चार रेखाखंडों ए बी बी सी सी डी एंड डी ए से मिलकर बनी है, जिसे मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं। देखो, ये एक रेखाखंड हुई ए बी, एक रेखाखंड हुई बी सी, एक रेखाखंड हुई सी डी और एक रेखाखंड हुई ए डी। तो ये जो चतुर्भुज है चार रेखाखंड से मिलकर बनी हुई है, तो इन चारों रेखाखंडों को ही हम क्या कहेंगे, इस आकृति की भुजा कहेंगे।
तो आप सभी लोग क्या ध्यान देंगे, कोई भी आकृति जिस भी रेखा खंडों से मिलकर बनी होती है उसे ही हम भुजा कहते हैं। तो भुजा आप सभी को समझ में आ गई होगी कि भुजा क्या होती है। अब हम देखते हैं कि कोण किसे कहते हैं। तो कोण को आप दो तरीके से देख सकते हो। किसी भी आकृति में जहां पर दो भुजाएं मिलती हैं, जैसे कि अगर देखो इसी आकृति को अगर मैं नाम दूं ए बी सी डी, तो यहां पर एक भुजा आपको दिख रही है ए बी और एक भुजा दिख रही है बी सी। तो ये दोनों भुजा जहां पर भी मिलेगी वहां पर एक कोण बनेगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, किसी भी आकृति में जहां पर दो रेखाखंड या दो भुजाएं मिलती है वहां पर एक कोण बनता है। और एक चीज ध्यान देंगे, जब मैं अभी कोण की बात कर रहा हूं तो सभी चीज ये सभी लोग ये नोट करेंगे कि अभी मैं वो कोण की बात कर रहा हूं जो उस आकृति के अंदर स्थित है। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं, आकृति के अंदर वाले कोण की बात कर रहे हैं। आकृति के बाहर जो कोण बन रही है इस वाले की बात हम लोग अभी नहीं कर रहे, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि इसे क्या कहते हैं या बाहर वाले के कोण के क्या कंसेप्ट हैं। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, किसी भी आकृति में अंदर की तरफ जो कोण बनती है उसी कोण के बारे में बस डिस्कस करेंगे। तो मैंने क्या बोला कि किसी भी आकृति में जहां पर दो भुजाएं मिलेगी वहां पर एक कोण बनेगा। तो अगर इस आकृति की बात करो तो इसमें कितने कोण है, तो यहां पर आप देखो बी की बात करो तो यहां पर देखो कि ए बी भुजा और बी सी भुजा मिल रही है तो एक कोण यहाँ पर बन रहा है। इस वाले की बात करो तो यहाँ पर बी सी भुजा और डी सी भुजा मिल रही है इसलिए यहाँ पर दूसरी कोण बन रही है। यहाँ पर अगर डी की बात करो तो यहाँ पर सी डी भुजा और ए डी भुजा मिल रही है तो यहाँ पर तीसरी कोण बन रही है। और उसी तरीके से ए की बात करो तो ए बी भुजा और ए डी भुजा मिल रही है इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं चौथी कोण बन रही है। तो टोटल इस आकृति में टोटल कितनी कोण बन रही है, चार कोण बन रही है। इसमें कितने भुजा थी, चार भुजा थी और चार कोण बन रहे हैं। अब एक चीज और ध्यान देना, कोण के बारे में एक चीज और ध्यान देना आप लोग। कोण को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, किसी भी एक बिंदु से, जैसे यहां पर मैंने एक बिंदु बनाया बिंदु ओ, बिंदु ओ, अगर किसी भी एक बिंदु से दो किरण निकले, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, एक बिंदु से अगर दो किरण निकलेगी तो इनके बीच का जो झुकाव है इस वाले को भी हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो किसी एक बिंदु से अगर दो किरणें निकल रही हैं तो उनके बीच का जो झुकाव है उसे हम क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। और दूसरी चीज हम लोग क्या पढ़े कि किसी भी आकृति में जिस भी रेखा खंडों से मिलकर बनी है उसे भुजा कहते हैं और जहां पर भी दो भुजा मिलेगी वहां पर एक कोण बनेगा। ठीक है, ये सभी बातें आप सभी को अगर समझ में आ गई भुजा के बारे में और कोण के बारे में, तो आप सभी लोग चैट सेक्शन में जाए और यस लिखे और कोई भी डाउट है तो अपना डाउट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को कुछ भी अगर नहीं समझ में आता है, कोई भी एक भी बच्चा अगर ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग क्या करें, बिल्कुल चैट सेक्शन में जाए और अपना डाउट लिख दे। ठीक है, तो अगर ये सारी बातें आप सभी को समझ में आ गई किसी भी आकृति के भुजा के बारे में और कोण के बारे में, तो अब क्या होगा, आप सभी के पास एक क्वेश्चन दिखेगा आपके स्क्रीन पर। आप सभी को जाना है पोल सेक्शन में और बताना है कि ये जो भी आकृति आपको दिख रही है उसमें कितने कोण है और कितनी भुजा है। आप सभी को पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है कि इसमें पोल इसमें कितने भुजा है और कितने कोण है। सभी लोग पोल सेक्शन में जाएंगे और आंसर देंगे। डी की आकृति में आप गिनती कर सकते हो कि इसमें कितने कोण है और कितने भुजा है। और फिर से मैं बता दूं, जब मैं कोण पूछ रहा हूं तो आप अंदर वाले कोण को गिनोगे, सिर्फ और सिर्फ अभी हम लोग अंदर वाले कोण की बात कर रहे हैं आकृति के जो अंदर में बन रही है। मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई भी बच्चा चैट सेक्शन में आंसर नहीं देगा, कोई भी बच्चा चैट सेक्शन में आंसर ना करे।
अभी भी काफी बच्चे ऐसे, काफी कम आंसर आए अब तक। आप सभी लोग देखें कि क्वेश्चन क्या है, कि इस आकृति में भुजा भी आपको बताना है और कोण भी बताना है, कि भुजा की संख्या क्या है और कोण की संख्या क्या है। सभी लोग पोल सेक्शन में जाए और आंसर करें। चलिए, तो काफी आसान क्वेश्चन थी, तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर है क्या, कि ये जो आकृति है इसमें कितने भुजा है और कितने कोण है। तो अगर मैं इस आकृति को नाम दू तो कैसे नाम दूंगा, ए बी सी डी ई। इस आकृति को मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी ई। अब क्या करो, आप देखो इसमें कितनी भुजा है, तो मैं हाईलाइट कर रहा हूं। आप जैसे देखो यहां पर एक भुजा ए बी हुई, एक भुजा बी सी हुई, एक भुजा सी डी हुई, एक डीई हुई और एक ईए हुई। तो अब जब आप इसे काउंट करोगे, गिनोगे, तो एक दो तीन चार पांच, मतलब मुझे क्या पता चल रहा है कि इस आकृति में पांच भुजाएं हैं। भुजाएं किसे कहते हैं, जो भी आकृति जो जिन रेखाखंडों से मिलकर बनी है। तो इस ये आकृति किन किन रेखाखंडों से मिलकर बनी है, ए बी बी सी सी डी डीई और ईए, इन पांच रेखाखंडों से मिलकर बनी है। तो ये पांचों ही क्या कहलाएंगी, इसकी भुजा कहलाएंगी। तो अब आप देखो कि चारों ऑप्शन में कि भुजा की संख्या पांच कहाँ पर दे रखी है, तो इसमें दे रखी है भुजा की संख्या पांच। बाकी किसी भी ऑप्शन में मुझे ये नहीं दिख रही कि भुजा की संख्या पांच दे रखी है। तो यहाँ पर अगर हम कोण की गिनती ना भी करें तो भी हमारा सही उत्तर पता चल रहा है कि हमारा सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें भुजा की संख्या पांच दे रखी है। फिर भी अगर हम ये डिस्कस करते हैं कि हमें कोणों की संख्या देखना है, कि इस आकृति में कितने कोण बन रहे हैं, तो कोण के बारे में मैंने क्या बताया, जहां पर भी दो भुजा मिलेगी वहां पर एक कोण बन जाएगा, और अंदर वाले कोण की बात हम कर रहे हैं। तो यहां पर अगर आप देखो, तो अगर आप बात करो ए बी और बी सी की, यहां पर अगर मैं ए बी और बी सी की बात करो, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कोण नंबर एक, मतलब एक कोण यहाँ पर बन रहा है, दूसरा कोण यहाँ पर बन रहा है हेलो। जहां पर भुजा बी सी और सी डी मिल रही है। जो भी बच्चे अपने आप को अनम्यूट करके बोल रहे हैं, अगर उनका कोई डाउट है तो चैट सेक्शन में लिख दे, कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा। तो बी सी और सी डी जहां पर मिल रही है, यहाँ पर हमें एक और कोण मिल रहा है, यहाँ पर एक तीसरी कोण, यहाँ पर एक चौथी कोण और यहाँ पर एक पांचवी कोण मिल रही है। मतलब टोटल इस फिगर में अगर हम काउंट करें तो एक दो तीन चार पांच, यानी इस फिगर में कोणों की संख्या कितनी है, तो पांच, मतलब भुजाओं की संख्या भी पांच है और कोणों की संख्या भी पांच है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा इस क्वेश्चन का, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ये होगा, उसी में दे रखा है कि भुजाओं की संख्या भी पांच और कोणों की संख्या भी पांच। आप सभी को अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप सभी लोग चैट सेक्शन में जाए और यस लिखे, और किसी को भी कोई डाउट है तो अपना डाउट लिख सकते हो। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, फिर से आप सभी को एक क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, सभी लोग जाए चैट पोल सेक्शन में और पोल सेक्शन में सभी लोग इसका आंसर देंगे। फिर से एक आकृति दिख रही होगी, फिर से आप सभी को, फिर से आप सभी को मेरी आवाज नहीं जा रही क्या सभी को? अगर और भी किसी को मेरी आवाज नहीं जा रही है तो सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएंगे। अगर किसी और बच्चे को मेरी आवाज सही से नहीं जा पा रही है तो आप लोग सभी लोग चैट सेक्शन में एक बार लिखकर मुझे बता दें। स्लो आ रही है, मेरी आवाज स्लो जा रही है आप सभी को।
बताएंगे मेरी आवाज सही जा रही है या नहीं, मेरी आवाज अब सही जा रही है या नहीं आ रही। और ये काफी बच्चे ऐसे बोल रहे हैं जिनको आवाज मेरी सही से आ रही है, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको हो सकता है कि मेरी आवाज स्लो सुनाई दे रही है काफी, क्योंकि दो तीन बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि मेरी आवाज स्लो सुनाई दे रही है। ठीक है, अब मैं कोशिश करूंगा थोड़ी तेज बोलने की, तो आपको मेरी आवाज क्लियर सुनाई देगी। ठीक है, तो आपको क्या करना था, एक क्वेश्चन में आकृति दे रखी है और आपको क्या करना है, इसमें से कोनों की संख्या बताना है। मैंने बोला कोनों की संख्या बतानी है, तो अब क्या करते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है। तो इस आकृति में आपको क्या करना था, कोण बताना था। तो कोण के पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो कि इस आकृति में भुजाओं की संख्या कितनी है। तो अगर हम भुजाओं की बात करें, पूछ क्वेश्चन में कोण की बात रहा, तो जो कोई बच्चा ऐसा है जो मैं अपने आप को अनम्यूट रखा लो है, अपने आप को म्यूट रखे, तो क्वेश्चन में तो पूछ रखा है कि एंगल बताइए कितने कोण बन रहे हैं, और मगर फिर भी मैं ये बोल रहा हूं कि सबसे पहले आप क्या करो, भुजाओं की संख्या की गिनती करो। तो भुजाओं की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले इस आकृति को आप नाम दे दो। तो मैं इसे नाम दूं तो अल्फाबेटिकली मैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, मैंने इस फिगर को पूरा नाम दे दिया, जिन भी रेखाखंडों से यह बनी हुई है। अब देखते हैं कोण के बारे में मैंने क्या बताया, कि जहां पर भी दो भुजाएं मिलेंगी वहां पर एक कोण बनेगा। तो अगर मैं इस वाले की बात करूं, तो यहां पर आपको दिख रहा है एक भुजा बीस ए बी और एक भुजा बी सी। तो ए बी और बी सी भुजा जहां पर भी मिल रही है वहां पर एक कोण बनेगा, यानी यहां पर हमारा एक कोण बन रहा है। अब हम आगे देखते हैं, यहां पर हमें दिख रहा है एक बी सी भुजा, आप सभी लोग ध्यान से देखना, बी सी भुजा और सी डी भुजा। तो बी सी भुजा और सी डी भुजा जहां पर मिल रही है वहां पर भी देखो एक अंदर की तरफ एक कोण बन रही है, तो इसे भी हम कहेंगे अंदर की तरफ एक कोण बन रही है। अब हम देखें सी डी और डी ई के बारे में, तो यहां पर हमें एक भुजा दिख रही है सी डी और एक डी ई। तो सी डी और डी ई भुजा जहां पर बन रही है वहां पर भी एक कोण बन रही है। इसी तरीके से आप पूरे फिगर में बढ़ते जाओ तो आपको दिखेगी कितने कोण, मैं सभी को हाईलाइट कर रहा हूं, आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे इतनी सारी कोण इस फिगर में बन रही है। और अभी मैं जो बात कर रहा हूं कोणों की, तो सभी कोण में वही कोण देख रहा हूं जो कोण इस आकृति के अंदर बन रही है। इस आकृति के बाहर जो कोण बन रही है उसके बारे में हम लोग अभी ना डिस्कस कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ नहीं देख रहे हैं। बाहर वाले कोण के बारे में हम लोग आगे के सिलेबस में पढ़ेंगे कि बाहर वाले कोण को क्या कहते हैं और उसे कैसे गिनते हैं। तो अभी क्या कर रहे हैं, अंदर वाले कोण की अब गिनती करते हैं। तो ये कोण हुआ एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ 10, 11, 12। तो टोटल इस फिगर में कितने कोण बन रहे हैं, टोटल 12 कोण बन रही हैं। तो इसमें अगर किसी को भी डाउट है, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे हैं जिनका अलग अलग इस क्वेश्चन में आंसर आया है, तो अगर इसमें अब सभी चीजें समझ में आ गई हैं तो आप लोग यस लिखोगे। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी इसको इस फिगर में 12 कोण बन रही है। अगर कोई भी डाउट है इसमें तो आप सभी लोग मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो इस फिगर में कितने कोण बन रहे हैं, 12 कोण बन रही है। कोण के बारे में आप कैसे गिनोगे, आप क्या देखना है, जहां पर भी दो भुजाएं मिलेगी वहां पर एक कोण निश्चित तौर पर एक कोण बनेगा ही बनेगा। चलिए, तो ठीक है, ये क्वेश्चन का सही आंसर क्या था, हमारा ऑप्शन नंबर सी था। अब हम लोग क्या किए, कोण के बारे में जानते हैं, कोण किसे कहते हैं, जहां पर दो भुजा मिलेगी कोण बनेगी। दूसरे तरीके से मैंने ये बताया कि एक बिंदु से अगर दो किरणें निकलती हैं तो उनके बीच के झुकाव को ही हम कोण कहते हैं।
अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कोण कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ एंगल, कोणों के प्रकार। यह हमारा अगला टॉपिक है, यही हम पढ़ते हैं कितने प्रकार के कोण होते हैं। तो एक्यूट एंगल, सभी लोग अभी क्या करेंगे, सभी बच्चे अभी बस सभी कोणों के नाम पढ़ लें, एक एक करके हम लोग क्या करने वाले हैं, सभी कोण के बारे में देखेंगे कि सभी कोण कैसे कैसे होते हैं, इनके बारे में आपको क्या क्या जाननी है। तो अभी क्या करें, बस इसका नाम पढ़ लें, कोण कितने प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण एंड संपूर्ण कोण। अगर इंग्लिश में बात करूं तो एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड फुल एंगल या कंप्लीट एंगल। फुल एंगल को कंप्लीट एंगल भी कहते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, एक एक करके देखते हैं कि एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण क्या होती है, सभी कोण के बारे में देखते हैं कि क्या क्या होती है। तो कोण पढ़ने के पहले हम लोग क्या करते हैं, आप सभी बच्चे, जितने भी बच्चे अभी ज्वाइन कर रखे हैं, आप सभी लोग पोल सेक्शन में जाएंगे और मुझे बताएंगे कि आप लोग का मीडियम क्या है, आप लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो। आप सभी लोग, जितने भी बच्चे अभी हैं, सभी लोग जाएंगे और पोल सेक्शन में आपको एक क्वेश्चन लिखेगा, कोई भी चैट सेक्शन में लिखेगा, चैट सेक्शन का कोई डाटा हमारे पास नहीं रहता है। तो आपको क्या करना है, पोल सेक्शन में जाए और पोल सेक्शन में आंसर करे कि आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो। तो उससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर ज्यादातर जो बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के हैं। तो हम लोग वही कोशिश करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग आपकी क्लासेस को दें। तो जितने भी बच्चे हैं सभी लोग जाकर आंसर दे कि आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो या इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम के हो। काफी बच्चे ऐसे हैं जो अब तक आंसर नहीं किए, तो इससे क्या होगा, हमें आपकी सही डेटा नहीं मिल पाएंगे। तो सभी बच्चे जाए और जल्दी से, क्योंकि अब समय ज्यादा नहीं बर्बाद करेंगे, हम लोग अपनी क्लास को भी कंटिन्यू करनी है। तो आप सभी लोग जाए पोल सेक्शन में, एक बार बताएं कि आप लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो। चलिए, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि न्यून कोण, सम कोण, कोणों के प्रकार के बारे में, कि किस किस प्रकार के कोण होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास है वो है न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल किसे कहते हैं या न्यून कोण किसे कहते हैं, तो ऐसी कोण या ऐसी, मान लो अगर मैं कोई कह रहा हूं एक बिंदु से दो किरण निकल रही है, अब इनके बीच के झुकाव को ही तो हम कहेंगे कोण। अब अगर इसका माप 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, न्यून कोण कहेंगे। मतलब ऐसा कोण जिसका माप 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे। सभी लोग कॉपी में लिख लेंगे। अब आपको ये पता कैसे चलेगा कि ये कितने डिग्री का कोण है, तो इसके लिए आप सभी को पता होगा, आप लोग किस चीज का यूज करते हो, प्रोट्रैक्टर यानी चांदे का यूज करते हो। तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे आपको अगर ये वाली जो मैंने दे रखी है, इसको मैं अगर नाम दूं ओ ए बी, तो आपको देखना है ओ ए और ओ बी के बीच में कितने कितना कोण बन रहा है, इसका मेजरमेंट क्या है, इसका माप क्या है। तो अब आप क्या करोगे, आप जैसे इस तरीके से यूज करके चांदे की हेल्प से, प्रोटेक्टर जिसे कहते हैं उसके हेल्प से आप इसे मेजर करते हो, तो आपको साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है ओ बी और ओ ए किरण के बीच, वह कोण कितने डिग्री का बन रहा है। सभी लोग देखे स्क्रीन को और मुझे बताएं ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है। सभी लोग लिखेंगे, चैट सेक्शन में आप लिख सकते हो अभी। आप सभी लोग देख के बताएं कि ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहां पर आपको देखना है कि ये 40 के ऊपर है और 50 के नीचे है, और 40 और 50 के बीचों बीच वाली रेखा पर है। इसका मतलब ये 45 डिग्री यानी 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये कैसे कोण है जो 0 डिग्री से बड़ी है और 90 डिग्री से छोटी है।
तो 0 डिग्री से बड़ी और 90 डिग्री से छोटी है, तो इसलिए हम इस कोण को क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे, यानी एक्यूट एंगल कहेंगे। तो ऐसे कोण जिसका माप 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है, तो उसे हम क्या करते हैं, न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल करते हैं। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला कि और हमें क्या पढ़ना है। तो अगला हमारा टॉपिक है समकोण यानी राइट एंगल। तो समकोण ये वर्ड आप लोग पहले भी सुने हो, जब मैं लंबवत रेखा पढ़ा रहा था वहां पर भी बताया था कि जब भी समकोण की बात करूं तो आपको 90 डिग्री याद आनी चाहिए। मतलब दो रेखा लंबवत कब होगी, जब उनके बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो समकोण किसे कहते हैं या राइट एंगल किसे कहते हैं, जब दो रेखा या दो किरण इस तरीके से स्थित हो कि उनके बीच का कोण 90 डिग्री के बराबर हो। तो 90 डिग्री के बराबर है तो उसे क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। जैसे अगर मैं इसे नाम दूं ओ ए और बी, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा ओ ए और ओ बी, इन दो रेखाखंड किरण, या अगर कहें रेखा भी अगर हम कहें, तो अगर कोई आकृति की अगर भुजा इस तरीके से रहे तो हम क्या कहेंगे, इन दोनों के बीच कितने डिग्री की कोण बन रही है, 90 डिग्री की बन रही है। ये हमें कैसे पता चला कि ये 90 डिग्री की कोण बन रही है, ठीक है मैं इंग्लिश में भी समझा दूंगा, ये सभी चीज जो भी टर्म्स है ये सभी चीज इंग्लिश में लिखी ही हुई है। तो आपको क्या करना है, देखना है कि इन दोनों जो किरण है इन दोनों के बीच का कोण कितने डिग्री का बन रहा है, एंगल कितने डिग्री का बन रहा है। तो ये 90 डिग्री का बन रहा है। अब क्वेश्चन उठता है कि पता कैसे चला मुझे कि ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये जो साइन बना रखा है कुछ इस तरीके से, यही मैंने पिछले क्लास में बताया, जब भी इस तरीके से बना के दे रखी हो आपको कुछ भी मेजर करने का मापने की जरूरत नहीं है। आप चांदे की हेल्प से भी नहीं मापोगे। जब भी इस तरीके से मैं बना दूं, अगर इस तरीके का साइन बनाया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, यह 90 डिग्री का ही कोण है। और जब भी कोई किरण कोई भी रे या दो भी रेखाखंड के बीच में अगर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे यानी राइट एंगल कहेंगे। तो एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण किसे कहेंगे, अगर दो किरणों के बीच या दो रेखाओं के बीच अगर 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच हो, 0 डिग्री से बड़ी और 90 डिग्री से छोटी हो तो न्यून कोण, अगर एग्जैक्ट 90 डिग्री के बराबर हो दो किरण या दो रेखाखंडों या दो रेखा के बीच अगर 90 डिग्री का कोण बन रहा हो तो 90 डिग्री के कोण को क्या कहेंगे, समकोण यानी राइट एंगल कहेंगे। तो ये दोनों चीज एक्यूट एंगल और राइट एंगल के बारे में आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब क्या करते हैं हम लोग, ऑब्ट्यूस यानी अधिक कोण के बारे में देखते हैं कि अधिक कोण या ऑब्ट्यूस एंगल किसे कहते हैं। तो अधिक कोण देखो, अगर मैं कोई ऐसी दो रेखा बनाऊं, किरण बनाऊं, मैं फिर से नाम दे रहा हूं ओ ए एंड बी, तो यहां पर देखो कौन दो किरणें हैं, एक किरणें ओ ए है दूसरी ओ बी है। तो इन दोनों के बीच की जो कोण की बात करो, ये तो मुझे नहीं पता कि ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है, बट ये मैं कह सकता हूं कि ये डेफिनेटली 90 डिग्री से बड़ी है। अब 180 के बारे में पहले देखते हैं कि अगर मैं जब अधिक कोण की बात कर रहा हूं तो मैंने क्या लिख रहा है, लिख रखा है 90 डिग्री से बड़ी और 180 डिग्री से छोटी। मतलब अधिक कोण किसे कहेंगे, ऐसी कोण जिसका माप 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो उसे हम क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। तो 180 डिग्री पहले समझ लो कि 180 डिग्री किसे कहते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ऋजु कोण यानी 180 डिग्री के बारे में ये समझा देता हूं। तो अगर आप देखो इसे मैं फिर से नाम दूं, मान लो यहां पर एक बिंदु O है जिससे दो किरणें OA और OB विपरीत दिशा में निकल रही है, इसे मैं कह रहा हूं OB और इसे मैं कह रहा हूं OA एंड OB। तो अगर दो किरण विपरीत दिशा में निकले कुछ इस तरीके से, आप सभी को दिख रहा होगा मेरे पेन, तो अगर कोई दो इस तरीके से किरण निकल रही हो दोनों बिल्कुल विपरीत दिशा में, तो इन दोनों के बीच का जो कोण होता है इसे हम क्या कहते हैं, 180 डिग्री यानी 180 डिग्री। तो इसका नाम क्या है, रिजु कोण या स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो 180 डिग्री के बराबर जो कोण होगी उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल या रिजु कोण। आप सभी लोग इसे लिख लेंगे,
सभी लोग अपने कॉपी में लिखेंगे कि स्ट्रेट एंगल या रिजु कोण किसे कहते हैं। तो रिजु कोण किसे कहेंगे, इसे सरल कोण भी कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, 180 डिग्री के बराबर जो कोण है, जिस वैसे कोण जिसका माप 180 डिग्री होगा, उसे हम क्या कहेंगे, रिजु कोण या सरल कोण या स्ट्रेट एंगल। ठीक है, यानी दो विपरीत दिशा में अगर किरण निकले तो इसे हम क्या कहते हैं, 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री आप सभी को समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं अधिक कोण के बारे में। अधिक कोण में 180 डिग्री का यूज हो रहा था, इसलिए हम लोग पहले 180 डिग्री यानी रिजु कोण को कर लिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि OA और OB दो रेखा किरण इस तरीके से है, जो अगर मैं एक किरण इस तरीके से बना दूं यहां पर, तो अगर मैं बात करूं OP और OA, सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे OP और OA, OP और OA के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है OP और OA के बीच, सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। नब्बे डिग्री, तो OP और OA के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब मैं अगर OP को मिटा दूं तो आपको दिख रहा होगा ये वाली, तो ये 90 डिग्री से तो ज्यादा हो गई, और अगर मैं एक किरण इस तरीके से बनाऊं तो ये, अगर मैं पूरी एंगल की बात करूं, ये वाली पूरी जहां पर मैं पेन चला रहा हूं, तो इसके बारे में आप बोलोगे कि ये पूरी जो कोण बन रही है 180 डिग्री की बन रही है, तो ये पूरी 180 बन रही है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं सिर्फ बात कर रहा हूं OA और OB की, तो ये आपको साफ दिख रहा है कि ये 90 डिग्री से तो बड़ी है और 180 डिग्री से छोटी है। तो ऐसे कोण जो 90 डिग्री से बड़ी हो और 180 डिग्री से छोटी हो, मतलब 90 से बड़ी और 180 से छोटी, तो ऐसे कोण को क्या कहेंगे, ऐसे एंगल को क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल यानी अधिक कोण कहेंगे। तो अब तक हम लोग क्या पढ़े, सबसे पहला पढ़े न्यून कोण, दूसरा पढ़े सम कोण, तीसरा पढ़े अधिक कोण और चौथा पढ़े रिजु कोण। सभी को मैं एक बार बता दूं, तो एक्यूट एंगल किसे, जो 90 जीरो डिग्री से बड़ी और 90 डिग्री से छोटी। दूसरी समकोण, जिसकी माप एग्जैक्ट 90 डिग्री के बराबर हो, उसे समकोण। तीसरी अधिक कोण, यानी 90 से बड़ी और 180 से छोटी होगी, तो उसे क्या कहेंगे, अधिक कोण। और अगर एग्जैक्ट 180 डिग्री के बराबर हो, मतलब दो किरण बिल्कुल विपरीत दिशा में हो, तो उसे क्या कहेंगे, रिजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल कहेंगे। तो ये चार कोण अगर आप सभी को समझ में आ गई है, तो सभी लोग चैट सेक्शन में यस लिखेंगे। अब दो कोण हमारा रह गया, दो कोण भी जल्दी से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल यानी प्रतिवर्ती कोण और कंप्लीट एंगल यानी संपूर्ण कोण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फिर से प्रतिवर्ती कोण करने से पहले देखते हैं इस संपूर्ण कोण किसे कहते हैं। अगर कोई दो किरण एक ही पे स्थित हो, जैसे यहां पर आपको दिख रहा होगा, मैं यहां पर एक नाम देता हूं O, A और B, तो यहां पर दो किरणें ऐसी दिख रही है जो दोनों एक ही के ऊपर स्थित है, इस तरीके से एक किरण है उसी के ऊपर दूसरी किरण है। और अगर मैं इस वाली कोण की बात करूं, ये पूरी वाली कोण, तो इस पूरे कोण को हम क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण यानी 360 डिग्री के बराबर होती है। आप इस तरीके से भी इसे समझ सकते हो, आप इस तरीके से भी समझना, अगर मैं इस वाले कोण की बात करूं जहां पर मैं पेन चला रहा हूं, तो इस कोण को आप क्या कहोगे, इस वाले को आप कहोगे 180 डिग्री, रिजु कोण अभी मैंने बताया। अब मैं नीचे की बात करूं इस कोण की, तो इस कोण को भी आप क्या कहोगे, नीचे की तरफ से देखो तो ये भी 180 डिग्री है, ठीक है, ऊपर से भी 180 डिग्री है और नीचे से भी 180 डिग्री है। तो अगर मैं पूरे अगर इन दोनों को मिला दूं, तो इस पूरे को अगर हम देखें, तो क्या हो जाएगी, 180 और 180 को आप जोड़ दोगे 180
और 180 को जब जोड़ोगे तो आपका टोटल मिलेगा 360 डिग्री। तो इसलिए हम कहते हैं कि पूरा मिला के जब एक सर्कल बनता है, एक वृत्त बनती है, तो उसे क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण, और उसका माप क्या होता है, 360 डिग्री होता है, जिसमें दो 180 180 को जोड़ोगे तो 360 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, ऋजु कोण मैं फिर से बता दूंगा। सबसे पहले आप अभी संपूर्ण कोण समझ दो, फिर से मैं ऋजु कोण बता दूंगा। तो संपूर्ण कोण क्या होती है, अगर दो किरणें एक ही के ऊपर दूसरी स्थित है तो ये पूरी कोण को हम क्या कहते हैं, 360 डिग्री। और संपूर्ण कोण में आप याद रखना, संपूर्ण कोण या फुल एंगल या कंप्लीट एंगल के बारे में आप ये कॉपी में लिख लो कि संपूर्ण कोण का माप कितना होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। अब संपूर्ण एंगल यानी कंप्लीट एंगल अगर हम देख लिए हैं, तो अब हम देखते हैं प्रतिवर्ती कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं। तब आप आपको पता है कि 180 डिग्री किसे कहते हैं, अब आपको ये भी पता है कि 360 डिग्री किसे कहते हैं। तो ऐसे कोण जिसका माप 180 से तो बड़ी होगी लेकिन 360 से छोटी होगी, उसे हम कहेंगे प्रतिवर्ती कोण। ठीक उसी तरीके से आप इसे समझना जैसे मैंने ऑब्ट्यूस एंगल यानी अधिक कोण को समझाया था। अधिक कोण में क्या बोला, 90 से बड़ी और 180 से छोटी, तो उसे अधिक कोण कहेंगे। प्रतिवर्ती यानी रिफ्लेक्स के लिए क्या कहेंगे, 180 से बड़ी और 360 से छोटी, सभी लोग लिख लेंगे। ऐसे कोण जिसका माप 180 से बड़ी हो और 360 डिग्री से छोटी हो उसे कहेंगे प्रतिवर्ती कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल। जिसका माप 180 से बड़ी हो और 360 से छोटी हो उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती कोण। तो अब यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रहा है ओ ए एंड बी। अगर मैं ये जो लाल कलर से बना रहा हूँ ये वाले की बात करूं, ये कैसे कोण है, ये कैसे पता चलेगी। तो आप क्या करो, आप एक किरण इस तरीके से बना दो। यहां अगर मैं इसे बना दूं और मैं इस वाले कोण की बात करूं जहां पर मैं अभी पेन चला रहा हूं, तो ये आपको दिखेगा ये हमारा 180 डिग्री है ना, ये पूरा 180 डिग्री है, क्योंकि इतना को मैंने बताया ये ऋजु कोण। अब उसमें कुछ और बढ़ रहा है यानी ये कुछ एंगल है जो उसमें ऐड हो रहा है, उसमें कुछ जुड़ रहा है, तो इसमें कुछ जुड़ रहा है तो 180 से तो बड़ी है। यानी अगर मैं इस कोण की बात करूं, इस वाले की बात करूं, तो ये आपको दिख रही है 180 से तो बड़ी है। अब हम देखते हैं कि 360 से छोटी कैसे है। तो अगर मैं पूरा अगर यहां से घूम जाऊं और वापस यहां पर आ जाऊं तो इस पूरे को हम क्या कहेंगे, 360 डिग्री कहेंगे। तो पूरे को 360 डिग्री कहेंगे, बट उतना तो वहां गया नहीं, यहाँ पर आपको क्या देखना है, बस इस वाले कोण की बात की जा रही है। तो ये कैसी कोण है, 180 से बड़ी है और 360 से छोटी है, यानी इसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल यानी प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि पूरी कोण जो है 360 डिग्री होती है, ये पूरी कोण 360 डिग्री होती है। आप अगर नीचे वाली इस कोण की बात करो तो इसे आप जब चांदी की हेल्प से मेजर करोगे तो आपको पता चलेगी ये अधिक कोण है। जब मापोगे तो मैं कह देता हूं कि मान लो ये मान लो 120 डिग्री है, तो ये ऊपर वाले कोण की मैं बात करूं इस वाले की, तो इस वाले मैं फिर से मिटा के समझाता हूं तब आपको समझ में आएगी, नहीं तो फिर आपको दिखेगी नहीं कुछ। अगर मैं इस वाले की अब बात करूं तो इस वाले कोण का माप क्या होगा, पूरा 360 में से आपको 120 घटानी होगी, तो जब आप इसे घटाओगे तो आपको मिलेगी 240 डिग्री की कोण। तो ये वाली कोण क्या है, 240 डिग्री की कोण है। तो 240 को आप क्या देख पा रहे हो, ये 180 से बड़ी है और 360 से छोटी है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल यानी प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। अब जो भी बच्चे मुझे कहे थे कि रिफ्लेक्स ऋजु कोण के बारे में बता दें, तो एक बार जल्दी से ऋजु कोण के बारे में आप देख ले कि ऋजु कोण किसे कहते हैं, दो किरण अगर विपरीत दिशा में जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, ऋजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल कहेंगे। अगर आज ये सारी चीजें आप सभी को समझ में आ गई हैं तो आप सभी लोग चैट सेक्शन में जाए और यस लिखे, फिर हम लोग क्या करेंगे, होमवर्क डिस्कस करेंगे कि आज आपकी होमवर्क क्या है। रिपीट कर दे, क्या रिपीट कर दे, ऋजु कोण रिपीट करना है,
रिजु कोण आप ऐसे ध्यान रखो, अब मैं पेन दिखा रहा हूं आपको, अगर दो किरण विपरीत दिशा में हो तो इसे हम क्या कहेंगे, रिजु कोण कहेंगे, ठीक है, यानी स्ट्रेट एंगल कहेंगे। इस पूरे कोण का माप 180 डिग्री होता है, आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि जिस कोण का माप 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, उसे ही हम रिजु कोण या स्ट्रेट एंगल कहेंगे। तो आप सभी को क्या करना है, अब आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिखेगी, अब आप सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आप लोगों को ये होमवर्क वाली बुक दिख रही है या नहीं दिख रही है। सभी लोग बताएंगे आप लोग को होमवर्क वाली बुक दिख रही है या नहीं दिख रही है। ठीक है, दिख रही है। तो आप सभी का आज जो होमवर्क है, वो आज का होमवर्क है आपका प्रश्नावली 1.1 एंड 1.2। जिसके पास भी ये बुक है, आप सभी लोग लिख ले प्रश्नावली 1.1 एंड 1.2। और आप सभी को पता है, जिनके पास भी अब तक ये बुक नहीं पहुंची है, आप सभी को क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। तो मैंने जूम कर दिया है, सबसे पहले आप प्रश्नावली 1.1 की स्क्रीनशॉट ले लो। तो जिनके पास भी ये बुक नहीं है, आप सभी को इसके स्क्रीनशॉट ले लेनी है।